Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, Structure of an Atom from 11th class, and today our topic is the Bohr's model of an atom. In previous videos of this chapter, student, we discuss about the various types of models of an atom, like Thomson model of an atom, and one of the important is the Rutherford's model of an atom. But there are certain limitations or the drawbacks of Rutherford's model. And in order to overcome these drawbacks, the scientist Niels Bohr in 1913 proposed a different model of an atom and named it as the Bohr's model of an atom. This model is totally based on the Planck's quantum theory, and this model explains the limitations or the drawbacks of the Rutherford's model. Like aapko dhyan hoga ki Rutherford is not able to explain the stability of the atom, to Bohr's model mein usko explain kiya gaya. सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था किसके बेसिस पर, रदरफोर्ड, एंड दे दीज ऑल आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बोहर्स मॉडल. अब हम बात करते हैं वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास आता है, द एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड दैट हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर. And the electrons of an atom revolving around the nucleus in a certain selected circular path. And these circular paths are known as orbits or the energy shell or the energy level. और जो हमारे पास ये orbits, energy shells या energy levels होंगे, these are numbered as 1, 2, 3 and so on. और इनको हम डिनोट किससे करेंगे, लेटर से, के एल एम एन रिस्पेक्टिवली. अगर हम इसको शो करें तो हम किस तरह से दिखाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड देयर आर द सर्कुलर पाथ जिसको हमने नाम क्या दिया, ऑर्बिट, दिस वन इज़ द फर्स्ट, एन से डिनोट कर देंगे 1, 2, 3 या फिर के एल एम. As these orbits are associated with the definite energy, और इसीलिए इनको हम नाम क्या देते हैं, energy shell और energy levels. अब इस point से एक point और clear होता है कि जब orbits की energy definite हैं तो जो electron इन orbits के अंदर होंगे उनकी भी energy कैसी होगी, definite. Means when the electron present in a particular orbit, it has the definite amount of energy. It neither lose energy nor gain energy. Means अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, उस टाइम वो ना एनर्जी का लॉस करेगा ना गेन करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का लॉस और गेन करना है, वो कब करेगा, when इलेक्ट्रॉन want to transfer from one energy shell to another. Means उसको यहाँ से कहाँ जाना है, सेकेंड में, सेकेंड से कहाँ जाना है, थर्ड में, तभी वो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस और गेन करेगा. And that is the particular amount of energy lost or gain. और वो particular amount of energy किसके equal होगी, मान लिया कि वो first shell से कहाँ जाएगा, second shell में, तो जितना इन दोनों के बीच का energy gap होगा वो कैसा होगा, fixed. उस fixed amount of energy को ही वो gain करके कहाँ जा सकता है, lower से higher में, और उसी energy को lose करके वो कहाँ आ सकता है, higher से lower energy में. और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट, मींस फिक्स्ड. और इसीलिए हम इनको नाम क्या देते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर लेवल और शेल के अंदर कैसा है, फिक्स्ड, मींस स्टेशनरी. और इनको अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं. अलाउड क्यों, जैसा भी मैंने बताया कि ये अलाउ करते हैं कि एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाए, लेकिन वो तभी जाएगा जब वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी का क्या करेगा, लॉस और गेन करेगा. और वो फिक्स्ड अमाउंट किसके इक्वल होगा, इन दोनों लेवल के एनर्जी गैप के, एंड दिस एनर्जी गैप इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई, एंड दिस इज नोन एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी स्टेट. मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस E1. हो सकता है वो कहाँ से कहाँ जा रहा हो, E3 से E1, तो यहाँ पर डेल्टा E किसके इक्वल आएगा, एनर्जी डिफरेंस ऑफ E3 एंड E1. और ये हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा डेल्टा E, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, अलाउड एनर्जी स्टेट.
ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है बेटा, व्हाई दीज आर नोन एज, मीन्स जो एनर्जी शेल्स हैं उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स क्यों बोलते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी ग्रेजुअली चेंज नहीं करेगी, यानी कि कॉन्टीन्यूअसली वहाँ पर चेंज नहीं होगा, बट देयर इज लॉस और गेन ऑफ द एनर्जी डिसकॉन्टीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, और वो डिस्क्रीट जो पैकेट्स होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, क्वांटा, और इन केस ऑफ लाइट हम नाम क्या देते हैं, फोटोन, और उनकी एनर्जी कितने के इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू एच म्यू, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मीन्स जो यहाँ पर आपके पास डेल्टा ई है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू एच म्यू, मीन्स द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो मैंने ये न्यूक्लियस माना, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। अगर ई वन से कहाँ पर जाएगा, ई टू में, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ई टू से ई वन में तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को इमिटेड, और दोनों ही केस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इमिटेड है वो किसके इक्वल है, डेल्टा ई के, एंड दैट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। अब जो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, मैं इसको और भी क्या लिख सकती हूँ, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच म्यू, और यहाँ से न्यू की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमें पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, और अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एच सी अपॉन ई टू माइनस ई वन। बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी आर एबल टू फाइंड आउट द वेव लेंथ दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम, जैसा कि हमने किसमें किया था, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के केस में, उसमें आपके पास क्या आ रही थी, ग्रुप ऑफ द लाइन्स सीरीज की फॉर्म में आ रही थी, लेमैन सीरीज, बामर सीरीज, तो जो वो लेमैन बामर पाशन ब्रैकेट फंड सीरीज हमने कैलकुलेट की वो किसके अकॉर्डिंग की, ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एंड द एब्जॉर्ब रेडिएशंस और द एनर्जी। अब स्टूडेंट हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करती है तो उसके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, एम वी आर से, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, मीन्स होल नंबर मल्टीपल है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन केस ऑफ बोहर्स मॉडल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। यहाँ पर एच हमारे पास वही एज इट इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो एन है वो हमारे पास 1, 2, 3 एनी ऑफ द वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू 1 है, और हमारे पास एम वी आर मीन्स एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन टू पाई। सेकेंड में अगर एन हम 2 पुट करते हैं तो एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन पाई, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, या जो ये पोस्टुलेट है वो इंट्रोड्यूस करता है एक नए कंसेप्ट को, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, मीन्स पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी कैसा होगा हमारे पास, क्वांटाइज्ड या फिर फिक्स्ड। अब स्टूडेंट हमने कहा कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ द एनर्जी, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल और द स्टेशनरी स्टेट। तो अगर एनर्जी हम निकालें किसी भी लेवल की, मीन्स nth एनर्जी लेवल की, तो उसके लिए भी बोहर्स ने रिलेशन दिया, और हमारे पास रिलेशन है En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम ई की 4 अपॉन एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। जो E है वो E हमारे पास किसके इक्वल है, 4.8 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। H इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10⁻³⁴, दैट इज इन माइनस,
जूल सेकेंड। अगर इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस आर एच विद इन ब्रैकेट लिख लेते हैं 1/n² मीन्स जो यहाँ पर आपके पास 2π² me4/h² है दैट इज इक्वल टू आर एच। दिस इज नोन एज द रेबर्ग्स कॉन्स्टेंट। और अगर इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट कर दें किसकी m की e की और h की तो जो हमारे पास en है वो इक्वल आएगा माइनस 2.18 × 10⁻¹⁸। इसका मतलब आर एच यहाँ पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी को डिनोट करता है। ये जो हमारे पास एनर्जी आती है वो क्या आती है जूल पर एटम। अगर हम इस एनर्जी को निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल है 1.6022 × 10⁻¹⁹ जूल के। और अगर हम इसको जूल में चेंज करते हैं किलो जूल में, यहाँ तो जूल में फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया, और अगर हम इसको किस में चेंज करें किलो जूल के केस में तो जो हमारे पास एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं माइनस 1312/n² किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जो हमारे पास n है वो किसको इंडिकेट करता है हमें इंटीग्रल नंबर को 1, 2, 3 दैट एक्सप्रेस द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन। और इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के अंदर। इसका मतलब है कि जो एनर्जीज हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हम उसको इस सिंपल फार्मूले से दे सकते हैं। यहाँ पर जो n है वो हमारे पास 1, 2, 3 अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल कितनी आ जाएगी हमारे पास इसके इक्वल, या फिर राउंड ऑफ करके हम इसको डायरेक्ट कितने के इक्वल लिख देंगे टू दैट किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 2 तो सेकंड एनर्जी शेल की एनर्जी हमारे पास नियरली आएगी टू दिस। फॉर थर्ड द एनर्जी इज नियरली इक्वल टू दिस। अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल की एनर्जी ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये, और हम क्या कहते हैं एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम वन शेल टू अनदर मीन्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड देन टू थर्ड देन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज मीन्स E3 > E2 > E1। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव में वैल्यू घटती जा रही है। नेगेटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी मीन्स उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। या अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने एक बार डिवाइड किया इसको 2k² से, फिर जब 3 वैल्यू है तो हमने इसको डिवाइड किया 3k² से। मींस अगर आपकी नीचे वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास नेगेटिव की वैल्यूज़ कैसी आती हैं, लेस नेगेटिव मींस हायर मैग्नीट्यूड में। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं दे आर टाइटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो जाएंगी, कम। ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होगा और एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन दूर होगा शेल में तो क्या होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होगा और एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए जैसे जैसे हम nth लेवल तक जाएंगे मीन्स en लेवल मच मच ग्रेटर देन en e3 देन e2 देन e1, बीच में हम डैश शो कर रहे हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। और अगर हमें एनर्जी को एक्सप्रेस करना है फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ये माइनस आर एच विद इन ब्रैकेट z² / n². अब आर एच की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है दिस वन z² / n² जूल पर एटम। इन सिमिलर वे अगर हम इसको किस में मेजर करते हैं किलो जूल में तो माइनस 1311.8 z² / n² किलो जूल पर मोल। या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं en इज इक्वल टू माइनस 1312 z² / n² फोर हाइड्रोजन लाइक आयंस मीन्स जिनमें क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव,
और उनके केस में मान लिया मैंने हीलियम पॉजिटिव लिया तो जेड की वैल्यू 2, अगर मैंने लिथियम 2 पॉजिटिव कंसीडर किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी और जेड की वैल्यू इसके केस में पुट करेंगे 3। फर्स्ट शेल के लिए निकालना है तो एन की वैल्यू 1, सेकेंड के लिए 2 और उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी को। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम वी आर एबल टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर ऑर्बिट और उसकी रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए बोहर्स ने फार्मूला दिया आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर एम ई स्क्वेयर और साथ में जेड। जेड हम यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम और अगर किसी दूसरे एटम के लिए प्रेफरेंस देंगे तो जेड को हम रिप्लेस करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और मैं यहाँ आर एन को किसके इक्वल मेंशन कर रही हूँ ए नॉट एन स्क्वेयर के मींस जो यहाँ पर आपके पास ए नॉट है दिस ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर के या फिर हम इसको इक्वल लिख सकते हैं 0.0529 नैनोमीटर के या फिर हम लिख सकते हैं 529 एंगस्ट्रॉम के। तो जो हमारे पास ये वैल्यू है फिक्स्ड ए नॉट दिस इज नोन एज द बोहर्स रेडियस एंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट उसको हमने नाम क्या दिया है बोहर्स रेडियस और वो किसके इक्वल है इस कंप्लीट के इक्वल मींस हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट किया तभी ए नॉट की वैल्यू निकली जिसको हमने नाम दिया बोहर्स रेडियस दैट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। इन द सिमिलर वे अगर हमें सेकेंड के लिए निकालनी है सेकेंड स्टेट के लिए या सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो हम एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। आपके पास फार्मूला आर एन इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू हमने पुट किया 52.9 इंटू 2 का स्क्वेयर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नियरली वैल्यू आ जाएगी ये थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर एन इज इक्वल टू दिस वन और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज इंक्रीज ऑफ द रेडियस। रेडियस क्या है सेंटर से लेकर फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस ये सेकेंड तक का ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जैसे जैसे अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे देयर इज इंक्रीज ऑफ द रेडियस और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है किसके लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए तो आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन का स्क्वेयर अपॉन जेड दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस। नेक्स्ट पोस्टुलेट में बोहर्स ने किसके बारे में बताया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट तो वेलोसिटी इक्वल आएगी एन एच अपॉन 2πmr के। यहाँ पर r क्या है सेम दैट इज द बोहर्स रेडियस और सॉरी रेडियस ऑफ द वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स और r की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 4π स्क्वेयर me स्क्वेयर z। अगर हम r की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू इक्वल आएगी 2πe स्क्वेयर z अपॉन nh के और अगर इस एक्सप्रेशन में हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं मींस पाई की e की और एच की वैल्यू को तो आफ्टर दैट हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर यूनिट है वेलोसिटी की वो क्या है मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आई है ये क्या है फिक्स्ड वैल्यू है इसको हम डिनोट करेंगे किससे वी नॉट से तो किसी भी लेवल के लिए निकालना मीन्स nth लेवल के लिए तो वी एन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन। अगर हमें फर्स्ट शेल के लिए निकालनी है तो n हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और अगर हाइड्रोजन के लिए निकालनी है तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और यहाँ से जो हमारे पास वी एन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगा वी नॉट के एंड दैट वी नॉट इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड। दिस वी नॉट इज आल्सो नोन एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो नेक्स्ट पोस्टुलेट आ जाएगा बोहर्स मॉडल का। अब जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस है वो इक्वल टू होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने वी से डिनोट किया और सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट किसके इक्वल होता है, 2πr। अगेन अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू को पुट करें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही r की वैल्यू को पुट करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आएंगे 2πmvze² / n² h² एंड स्टूडेंट वन ऑफ द इजिएस्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच बोहर्स ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². अगेन जो यहाँ पर n है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मींस इंटीजर है 1, 2, 3 कोई भी। तो अगर आपके पास n 1 है मींस आपके पास फर्स्ट शेल है, एनर्जी लेवल E1 जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से, मींस K शेल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड N2 है, सेकेंड एनर्जी शेल लेवल है या फिर L शेल है, तो 2 का स्क्वेयर यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। थर्ड के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ के लिए 32 एंड सो ऑन। और जो ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन्हीं को हम नाम क्या देते हैं, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स वो होते हैं जिनके रिपीटेशन के बाद आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल पीरियोडिक टेबल के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की क्या करती हैं, मैच करती हैं, मीन्स रिपीट करती हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, मैजिक नंबर। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ एलिमेंट्स हैं दे आर ग्रुप्ड टूगेदर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। मीन्स अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर हम इसको स्किप कर दें और बाकी सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। और अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें हम, लिथियम 3 पर और सोडियम आपके पास 11 पर, ये हमारे पास किस पर, 19 एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमारे पास आता है वो कितना आएगा, 8। अगेन 8 मीन्स दीज आर द मैजिक नंबर, जिसके बाद क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों अचीवमेंट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।